आगरा के एक मॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिन दहाड़े हमलावरों ने मॉल में घुसकर कार्यालय में बैठे बिल्डर पर जान से मारने की नीयत से गोलियां बरसा दी। वहीं हमले में एक बिल्डर की गोली लग गई, जब तक लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायल बिल्डर को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि बिल्डर की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना के पीछे जमीन का विवाद सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को हथियार समेत हिरासत में लिया है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में TRS मॉल में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उस पर पुलिस मौके पर पहुंची और राजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति को अशोक तोमर नाम के व्यक्ति ने गोली चलाई थी और राजीव गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। अशोक तोमर को मौके से पुलिस ने मैं असलाह